पिंकी पिंकी कैसे बोलते हैं पिंकी, कितना दिमाग खाती है। पहली बार तो मैं नहीं आऊँगा अगली बार। मैं इतनी टी शर्ट ने आज तक मेरे को नहीं दिलाई भाई, कैश पर ले चुका अपने चलने वाला टाइम। बिल्कुल जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग चालू करवाए भाई और कह रहा बताओ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज दीदी की अग्नि परीक्षा कर रही है खाने में। आज मतलब आज मेथी के पराठे बन रहे, लेकिन उस तेरे को क्या हो गया, इसके अलग नशे। हाँ चल बैठ, आजा आजा चल, इस पे बैठ के इसको घुमाओ। खाना बन रहा है वहाँ पर, यहीं बैठ चुपचाप से। तो क्या एक्सपेरिमेंट है आज का? दीदी खाली मेथी के पराठे बना रही थी। हाँ। मैंने बोला इसमें आलू मिक्स कर दो, थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। दीदी कह रही है इसमें कभी मिक्स नहीं होते आलू के। तो आज तो करवा रही है। हाँ। अगर रिएक्शन हुआ ना मेरे को, कुछ बता रहा हूँ। रिएक्शन नहीं होता, वो पहले तो बन जाए, वो बहुत कैमरे पे रिकॉर्ड दो। नहीं हुआ तो कच्चा आटा खा लेना। भाई साहब ये होता है नाश्ता तो, है ना कैशू? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कैस्पर ने भी सूंघ सांग के आ गए। ये मेथी और आलू के पराठे तैयार हो गए भाई। किसी के घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है मेथी और आलू का तो बताना। अच्छे बन गए, सही बन गए टेस्ट में। बाकी कल सुबह तक पता लगेगा ना अगर पेट में गड़बड़ हुई तो। साथ में मक्खन और अपना ये आम का अचार। तो ये चाय ले रही है और मेरा अपना साथ में बॉर्नविटाल दूध है। और कैस्पर भागना पड़ेगा जिम में, 150 की स्पीड भागे फिर से, है ना? ये क्यों बैठा है, खाना तो है नहीं इसको। उसे चेयर पे बैठा के आया था वहाँ पे बेचारे, इतनी देर से पूरा इसी ने बनवाया है, देखा है वहाँ पूरा कि सही बना रहे हैं नहीं। सही बनाया था बेटा, क्या कहना चाहेगा इस बारे में? सही बना लेते हम। मैं तुम्हारे बाप को नौकर नहीं, तुम्हें जवाब दूंगा। इसको खाली पराठा खिला रहा था तब से, इसने खाया नहीं। फिर मैंने आइडिया दिया, इसमें डिप करके देख, बिना बटर का वाले दूध में डिप करके, और फिर या फिर चाय में। ओह गुड बॉय। और तो एक चीज देख, अपनी जगह लेके बैठेगा, ऐसा नहीं कि खा रहे हैं तो उधर बैठ जाना। दिस इज माय प्लेट। अच्छे से खाओ, फिर अगर ये अच्छा बच्चा बनेगा तो आज इसके कपड़े भी लेके आना। आज इसके कपड़े, आज इसके वैसे वाले लेके आना, थोड़े से मतलब जो बच्चों वाले होते हैं, जो उसके कंफर्ट उधर घूमता है। मास्टर जी डॉगी की पतलून एक बिलान छोटी कर दो। इसका भी वो हल्के कपड़े लाना, जैकेट हर जगह नहीं पहन सकता, तो उसके नाप लेके जा रहे हम। लूज रखो ना कम से कम, इतना हाँ ज्यादा लूज नहीं। हाँ तो वो याद रहे उतना। अच्छा ठीक है, बैठो पहले देख। कैस्पर नाप दे दे, पिटाई हो जाएगी। नहीं देंगे हम, नाप नहीं देंगे। अपने बैलेंस और बना रहा है बेटा, यहाँ पिटाई भी हो सकती है। कपड़े चाहिए ना? नहीं चाहिए मेरे को कपड़े, मुझे फीता चाहिए। मुझे नंगा घूमना पसंद है, मेरी जाति के सब प्रजाति के सब नंगे घूमते हैं। नंगा घूमूंगा ऐसे ऐसे मटक मटक के। कितनी गंदी बातें करता है कुत्ता। अच्छे मत दूंगा, है ना? यार प्लीज मम्मा ले चलो ना। तो आज ये बन के जा रही है पिंक कलर की लड़की, पिंकी 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 पिंकी। कैसे बोलते हैं पिंकी? बावली बूछ वाली हरकतें हो गई तेरी शुरू फिर से। मेरे चक्कर में क्या है यार, मैं इनकी लेंथ कम कराऊंगी, ज्यादा नहीं। इन बालों क्या हो गया, इन्होंने दारू पी ली क्या? ऐसे कर रहे हैं, स्टाइल है, स्टाइल बाबू राव का स्टाइल। ये बता रहे थे। और मैं जा रहा हूँ अपना अपना जिंदाबाद का लोअर नीचे। 15,000 रुपये, 15,000 रुपये की अपनी ये जूते और अपने। चलते हैं, चल बदमाश, कुछ खा भी लेंगे यार थोड़ा बहुत। शर्ट बता ना मैंने क्या नाम दिया है? जग्गू जोन्स, जैकी जोन्स की जग्गू जोन्स। गाइस विंटर्स आ चुके हैं। विंटर्स में आपकी स्किन केयर में सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है एक अच्छा बॉडी लोशन। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस के एलोवेरा बॉडी लोशन के बारे में। इसके अंदर है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, आर्गन एंड आलमंड ऑयल्स, शी एंड कोकोआ बटर्स एंड हैलुरोनिक एसिड। एक तो सबसे बढ़िया बात है कि बिल्कुल एकदम नॉन ग्रीसी है, जिसके लिए आप इसको विंटर्स एंड समर्स दोनों में यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत अच्छा एक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन को अच्छे से नरिश करता है। साथ ही साथ जो आपकी ड्राई स्किन होती है और डल और डैमेज स्किन होती है उसको रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल है, और कोलेजन काफ़ी बूस्ट करता है। साथ ही साथ इसके अंदर काफ़ी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। इट हैज़ नो पैराबेन्स, सिलिकॉन्स, कलर्स एंड मिनरल ऑयल्स। वाओ के सभी प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री हैं क्योंकि इनका कभी किसी एनिमल पे कोई टेस्ट नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये स्किन पर यूज करने के लिए बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। वाओ के सभी प्रोडक्ट पे QR कोड दिया हुआ है जिसे स्कैन करके आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ इनकी साइट पे जाके और भी प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज इनके साथ बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। And for seamless shopping experience, you can download the WOW application. And for extra discount, you can use the code Deepak20. So guys, be wow naturally. इस बंदे को ऐसी बीमारी है कि बिल्कुल तब निकलेगा जब बिल्कुल एकदम पीक टाइम होता है ना, ऑफिस आवर्स होते हैं, लोग ऑफिस से आ रहे होते हैं, तभी आदमी निकलता है। दिन में निकल नहीं सकते ना, वैम्पायर है। जब निकलते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लोग कहते हैं ना हम जब निकलते हैं तो गर्मी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। हाँ। हमारे टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। अरे रिएक्शन वीडियोस बना रहे थे ना तो उसमें थोड़ा मैं मुक्का मार देना बता रहा हूँ। आज में से ये चढ़ाऊंगी जक्कू जोन्स। प्लीज गंवार तो नहीं बोलेगा मुझे, क्या हूँ मैं? तू? यस। तू छपरी है। ऐसा मांगी दीवार में पड़ेगा जाके सीधा। तो भाई हम कैस्पर की उसकी मनोकामनाएं पूरी करने आए हैं, जो उसने कहा था उसको टी शर्ट चाहिए। कौन से कलर बताया उसने? रेड। हाँ सारे कलरफुल होते हैं, कलरफुल चाहिए उसको, टिकटॉकर टाइप चाहिए कैस्पर को। और इसको दिख गया FBB, मैंने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं जा रहे हम, जा रहे सीधा विशाल। यहाँ से नहीं उतरा जा रहा इससे, हाथ गंदे नहीं करते, हाथ गंदे कुछ ना होता यार। ये वो है क्या चीज लेके चलियो कैस्पर, वो खाता है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। तू खाली शकरकंदी, मेरे को तो एक तो तू वो दिला। अरे बियर्ड वॉश लेना है, मेरा याद आ गई, बियर्ड वॉश लेना। और धोता नहीं था दाढ़ी इतने दिन से, से ये देख लियो जो तू मैट बोल रहा था ना। अच्छा मैट कैस्पर, उसके लिए देख हो रहे, देख आ रहा है कुछ समझ, इसको टॉप को नीचे करके। बहुत गर्मी है यार, गर्मी ठीक है। एक ये मेरे को सही लगा कैस्पर के लिए, ये अच्छा लग रहा है। एक ये भी अच्छा है फर से, मैं सुबह सुबह जब बाहर भेजना। हाँ लेकिन ये अच्छा है, सॉफ्ट है बाहर भेजना। लेकिन ये उसको ऑलरेडी बाल है ना, तो उसे ज्यादा हैवी अभी नहीं पहना सकते, तो हल्का कपड़े में देख थोड़ा सा पतला बटन वाले जो यहाँ से इजी। भाई मैं घर जाती कैस्पर को बताने वाला हूँ कि गर्ल्स सेक्शन में से उठा रही है कैस्पर के लिए। नहीं तो उन्हें मुझे ये भी पिंक कलर का, ये वाला कह रही थी, ये तू बोल रहा था इसमें सबके साथ बॉटम है। नहीं बॉटम तो पहने हुए नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कैस्पर वो लड़की बनाएगी, मैं बता रहा हूँ। 10% ये कर रही, गड़बड़ करेगी, भरोसा है मेरे को इसके ऊपर। घर से इंची टेप लेके आई है, अब यहाँ नाप रही है। तो ये ऐसा टैलेंट होना चाहिए भाई, तुम में से किसी में है तो बताओ। 12 है हाँ। ये यहाँ से यहाँ तक का नाप लेना, गला आ जाएगा। ये देखा, एक ही उठा ले, सही है। ये लूज कर रहा हूँ, लूज भी हो जाएगा, कलर भी अच्छा लग रहा है। इतनी टी शर्ट इसने आज तक मेरे को नहीं दिलाई भाई, कैस्पर के लिए ले जा रही है। और दूसरी बात, अभी भी इसका मन नहीं भर रहा। ये है लिटिल डूड, अच्छी लग रही है। आपकी फेवरेट कलर कौन सा लगा भी बताना जरूर कमेंट करके। और हाँ, एक ये स्वेटर लिए कैस्पर के लिए, और ये दो उसके जो सुबह-सुबह उठता है ना कई बार। हाँ कि टिपिकल इंडियन वाइफ वाले लक्षण आ चुके हैं इसके अंदर, शादी वाले। अभी इसको दिखाया यहाँ पर डिस्काउंट इसके ऊपर पोहे पे। और आपको पता है परसों 2 या 3 दिन पहले पोहे का पैकेट लेके आया था हम, यहाँ इसको दिखा डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं लोग, गुमराह। सब कितना दिमाग खाती है। पहली बात तो मैं नहीं आऊंगा अगली बार, मैं इसको गाड़ी दिलवाऊंगा। वो नहीं आती जिसमें पैडल मारते हैं साइड में 2 टायर लगवा के। इसने पार्किंग क्या ढूंढ ली, तब से कह रही है बड़ा थैंक यू बोल, बड़ा थैंक यू। तूने यहाँ पे भाई तो मेरी ये सेक्टर 14 की मार्केट है, यहाँ पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है शाम के टाइम पे। सही जगह पार्किंग, वहीं से सीधा रोड पे निकल जाओ। ओ माय गॉड। तो अभी थोड़ी पेट पूजा कर लेते, थोड़ी सी क्रेविंग हो रही, जंक फूड खा लेंगे, कुछ पीना। पता है इतनी गर्मी लग रही है, तो जंक फूड ढूंढते हैं, कुछ बढ़िया सा खाते हैं और फिर निकलते हैं घर। मैं हेल्दी खाऊंगी, जैसे कुछ रोल या कुछ। तो ये इसका मतलब वही है कि जंक फूड के आगे हेल्दी लगा देना। ओए तेरी महंगी दुकान, चाय यहीं से मंगाते हो, चाय बहुत टेस्टी होती है। टेस्टी होती है हाँ। देखो मूंगफली भी खत्म है, मुझे चाय का याद आ रहा है। प्लांट लेना है तुझे ना? गाइस एक बार और पकड़ा गया मैं, मेरी एक और बिजनेस की ब्रांच मिल गई है। ये दिखाता हूँ, दीपक चाप कॉर्नर। बिजनेस बहुत है मेरे, एक तरह सेक्टर 23 में, लेकिन हिस्सा नहीं मिलेगा तेरे को उस चीज से। बदतमीज तू, बदतमीज। मेरे पे इल्जाम लगा रही थी कि बिजनेस कर रहा, भाई इसके पापा ने भी खोल रखा है बिजनेस। दिखाता हूँ देख क्या। और भाई साहब तभी मैं सोचूं कि भाई साहब तभी समझ रहे ना, बस समझ जाओ। तो अब आ चुका अपने चरने वाला टाइम, बिल्कुल जल्दी चरले, फिर कैस्पर से मिलना। सोया चाप रोल हो गया इसका, ये अपना डबल एग रोल। ये मेरी अच्छी लग रही है, कोल्ड कॉफी अच्छी लग रही है, कैरेमल है। लेकिन इसने मेरे से कहा भाई, पहली बात तो कोल्ड कॉफी आई 70 की और ये कैरेमल आया 60 रुपए का, कोई सेंस वाली बात है? मतलब मुझे पता होता है सस्ता है तो फिर मैं तो भाई कैरेमल ही पी लेता। कैरेमल में भारी भरकम ऐसा लगता है, महंगा शब्द है ना ये वाली बात। दिक्कत हो गई यार, बेवकूफ़ हो रही है मैं। कोई ना, तेरे वाले में से पी लेंगे अभी। स्पाइसी है बोला तो होगा नहीं, उससे पूछा था स्पाइसी करना नॉर्मल, मैंने कहा नॉर्मल, तो सोच लिया स्पाइसी कितना भयंकर होता। अच्छे में धुआं निकाल देता कान से। भाई पेट पूजा हो गई है खूब अच्छी वाली, और इसने नॉर्मल बनवाया तो कम मिर्ची वाला। तूने खा कसम, तूने उसे नहीं बोला वो डालना। मैंने कहा भाई नॉर्मल मिर्ची, उसने नॉर्मल या तीखा, मैंने कहा नॉर्मल रखियो। ये नॉर्मल था, तीखों में तो मार देता होगा बंदों को। राज तो मारने से आता है, कैस्पर बहुत पीटने वाला है हमें दोनों को, बहुत देर हो गया। लेकिन हम उसे उसके नए कपड़े दिखा देंगे ना। हाँ, वो बड़ा कपड़ों में मजे लेता, उसको स्टिक चाहिए जाते। कहाँ गए थे बताए बिना चल जाते। तो मुझे सुसु का बहाना देके चले जाते हो दोनों के दोनों। कैस्पर के कपड़े हमने लिए, पापा ने इसको आधा पहना दिया। अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कैस्पर निकालेगा नहीं तो अभी पूरा पहनाएंगे, पूरा पहना दो इसको। हमने भर दिया है, क्या भर दिया? दीदी ने तेल के कुएं में 100 लीटर तेल भर दिया है पेट्रोल, हम चोरी करके लाए। पर दिखाइयो, देखिए लिपस्टिक स्टिक भी दूंगा तेरे को, इधर भाग रहा है कह रहा क्या पहना दिया। एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना इसको। कहाँ जाएगा अब? पार्टी में जा रहा है अब, ये जा रहा है अंकित जा रहा है गेट खुलवा के पार्टी में। कहाँ जा रहा तू? ये लग रहा है बिल्कुल लेडी लेडी मतलब वो नहीं होती जो हाई क्लास, और पोज भी दे रहा है फोटो के लिए। ये कैस्पर की स्वेटर, ये लिटिल डूड वाली इसकी हुई, और डे टू डे वेयर के लिए इसके लिए एक तो ये एक और एक जैसे पहले नहीं है उसी में बड़ा साइज आ गया। इनमें बटन तो डेली निकल जाएंगे ना। ठीक है कैस्पर, बिल्कुल ठीक परफेक्ट। ओए ये कह रहा है नियॉन पिंक मांगा था मैंने, नियॉन ग्रीन कलर। कैस्पर ने कहा था सो नियॉन ग्रीन कलर चाहिए कि वैसा जैसे फ्लोर पे वो कलर भी मांगा था। कूल कैस्पर कहाँ? ये कंफ्यूज है अभी क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने कपड़े क्यों पहना लिया मुझे? कितना पहला मत बोल। कैस्पर को भी डेनिम और ट्राई कर लेते हैं। सर भाई आप कमेंट करके बताना इस पे डेनिम ज्यादा अच्छी लग रही थी है वो। अरे कैस्पर, अरे भाई साहब कैस्पर कहाँ जा रहा है? इसको भेज दो साइबर, अब जाएगा घूमने। बड़े कैस्पर जाओ घूम लो, इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें जब सुसु करने जाएगा तो भिगो देगा। और देख कैसे देख रहा है मेरे को, ऐसे मोड़ देंगे इसको। हाँ ऐसे मोड़ दो कैस्पर। देख इसमें देखो, शीशा में देखो, शीशा में देखो कैसा लग रहा है। ये कौन है? देखिए शीशे में, देख ये कौन है? ये कौन है? कॉलर खड़ी करके चलो शीशे में, देखिए कौन है? खड़ी कर ले, हीरो कौन है वो? कॉलर खड़ा कर, देखते कैसे देख रहा है। कौन है ये हीरो? कौन है ये? देखो देखो कॉलर, अच्छे देखो अच्छे, बढ़िया लग रही है इस पे। कैस्पर ने दोबारा रिकॉर्डिंग चालू करवाई भाई, और कह रहा बताओ शरीफ लग रहा हूँ बदमाश लग रहा हूँ। कॉलर खड़े कर दो इसके, फुल बदमाश। कैस्पर एक बंदूक और मंगवाएंगे तेरे लिए। बढ़िया लग रहा है बहुत।